हेलो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं स्ट्रिंग मेथड, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने स्ट्रिंग का बहुत सारा मेथड हम लोगों ने देखा है, जैसे स्ट्रिंग डॉट लेंथ इंडेक्स ऑफ। तो इसी प्रकार आज भी हम लोग स्ट्रिंग का कुछ मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, स्ट्रिंग का होता है एक मैच मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले आप जिस वेरिएबल में स्ट्रिंग को स्टोर किए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए str मेरा वेरिएबल का नाम है, इसको लिखना पड़ेगा। फिर डॉट, उसके बाद मैच, match मैच, और इसके साथ यहाँ पे जैसे कि अब हम लोग को देखना है, देखिए जावा स्क्रिप्ट है ना, तो उसको कितना बार मैच हुआ है, या फिर कोई भी यहाँ पे वर्ड अगर लिखते हैं हम लोग, जैसे जे लिखते हैं, ठीक है, तो वो जे को कितनी बार रिटर्न करेगा। प्रोमो में जाते हैं हम लोग, तो देखिए एक बार वो रिटर्न कर रहा है। हालांकि जे जो है इस पूरे स्ट्रिंग में एक बार यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया है, बट ये एक ही बार उसको मैच करेगा। अगर आप चाहते हैं कि सारा जे को मैच करे, तो उसके लिए आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको जी और आई लिखेंगे, ये आपका ग्लोबल सर्च करेगा। अब हम लोग इसको रिपीट कर रहे हैं, तो देखिए जितना भी उसमें जी है वो हमको रिटर्न कर रहा है। इसी प्रकार से अगर और कोई वर्ड देखना चाहते हैं, जैसे ए बहुत सारा है, तो यहाँ पे हम ए लिख देते हैं, उसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए जितना भी ए है हमारे स्क्रीन में वो सारा रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अगर देखना चाहते हैं, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट दो बार आया है, तो ये जावा स्क्रिप्ट को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, तो दो बार वो जावा स्क्रिप्ट हम लोग को रिटर्न करेगा, क्योंकि दो बार जावा स्क्रिप्ट रिपीट हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रिपीट। जैसे कि ये स्ट्रिंग जो है इसको हम लोग रिपीट करवाना चाहते हैं, इस लाइन को हम लोग रिपीट करवाना चाहते हैं, या इसके लिए मैं एक नया स्ट्रिंग ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं जहर ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं टी एच टेक्स लिखता हूँ, यहाँ पे टेक्स में मैं लिख देता हूँ AMIT, और अमित को मैं रिपीट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले वेरिएबल का नाम, उसके बाद डॉट, उसके बाद रिपीट, और फिर ब्रैकेट के अंदर में इसको, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग दो लिखेंगे तो ये दो बार रिपीट करेगा, देखिए अमित अमित दो बार रिपीट किया। और अगर यहाँ पे हम लोग तीन लिखेंगे तो वो तीन बार रिपीट करेंगे, देखिए एक हो गया 1 2 3, तो रिपीट जो मेथड है स्ट्रिंग का, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड को जितनी बार भी चाहे रिपीट करवा। उसके बाद और एक मेथड हम लोग देखेंगे सेल्फ, तो सर्च मेथड जो रहता है दोस्तों वो इंडेक्स का पोजीशन हम लोग को रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे str डॉट हम लोग लिखते हैं सर्च, उसके बाद पर्टिकुलर अगर हम लोग कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट कहाँ पे ये हम सर्च करना चाहते हैं,
तो देखिए दोस्तों, ये पोजीशन इंडेक्स पोजीशन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इसका इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल आप जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ मेथड और सर्च लगभग सेम वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऊपर में इंडेक्स ऑफ मेथड, ये देखिए 7 रिटर्न कर रहा था, उसी प्रकार से ये सर्च जो है ये भी हम लोग का 7 रिटर्न कर रहा है। बट सर्च इज मोर पावरफुल देन इंडेक्स ऑफ, क्योंकि इसमें हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही।